वशत कनक ले राज कसानी उठते अपा दुस सच पेश छु गप को गया था चाइल्ड जैसे राइट्स आनी हवाले और वाजे कैसे गप कन गया बलूचिस्तान ने छुक्का नहीं हवाले बलूचिस्तान ने छुक्का नहीं हवाले गप बीबी तो मायदा लम गप जना के अमूद के जिंदे ग्वाजे न के कैसे हुकूक औद दयग मबा तो औदा मा छुक्का नहीं हुकूक के बाबत अच्छे गप कने हम बलूचिस्तान के बच्चों के हवाले से आप राइट्स के हवाले से बात करें। मैं यही बता रही थी अपने व्यूवर्स को जहाँ आप रहने के लिए आपको जो बेसिक राइट्स हैं वो ना मिल रहे हों तो आप बच्चों के राइट्स के बारे से क्या बात करेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कहना था हम सबको, आपके चैनल को भी क्रेडिट जाएगा जिसने आपने इस इशू पर बात की। हम सब जो अपने तौर पे कर सकते हैं और उन बलूचिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को सलाम है, बिल्कुल उस सिविल सोसाइटी को सलाम है कि इतने मुश्किल और इतने कम वसाइल के अंदर रहते हुए भी वो तालीम की रोशनी जो है वो गली गली में जला रहे हैं। मैंने दरख्तों के नीचे अवरान में बच्चों को पढ़ाते हुए देखा, मैंने देखा जो वो एक्टिविस्ट हैं उनके पास ना तो कोई बहुत डिजिटल बोर्ड हैं ना तो उनके पास कोई बहुत हाई इक्विपमेंट के स्कूल्स हैं। तो क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के स्कूल हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट सारी कराची लाहौर इस्लामाबाद में और कैडेट कॉलेज की बड़ी इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे आपको एक ख़ास जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहीं पर मिलती है। लेकिन हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के बच्चों का जो राइट टू आइडेंटिफिकेशन है बर्थ सर्टिफिकेट उसके लिए जो हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं कि वो लाजमी उसमें किरदार अदा करें। सबसे पहला राइट जो है यूएन कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड का आर्टिकल 7 जो है वो कहता है कि शनाख्त का हक हर बच्चे का बुनियादी हक है और बिना किसी उसकी इम्तियाजी सलूक के उसके बच्चे को हक हासिल होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाके वो पढ़े, कहीं भी जाके तालीम हासिल करें। बेसिक अगर तालीम की बात आती है तो राइट्स पे अगर हम डिस्कस करने बैठें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जब तक बच्चा अपनी बलोगत को ना पहुंचे तब तक उसकी तालीम का जो है ना जिम्मा स्टेट पे है। उसके इवन अगर उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती उसे फीड करना तो उसका जिम्मा भी स्टेट पे है। इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड जो है सेक्शन 3 जो है वो कहता है यही है कि बच्चे का हमने बेहतरीन मफाद देखना है कि आया वो रिहैब सेंटर में है, आया वो माँ बाप के पास है या अगर वो किसी और जगह पे। हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ थोड़ा काम बेहतर किया, जो कैमल जोकीज में बच्चे इस्तेमाल होते थे ऊँटों की रेस में वो आपने देखा इंटरनेशनल जब पाबंदियाँ लगी प्रेशर आया तो अब रिबोट इस्तेमाल होते हैं यूएई के अंदर तो वो थोड़ा सा फैक्टर कम हुआ। लेकिन जो बच्चों की ईरान की जानिब स्मगलिंग है, जो बच्चों की अफगानिस्तान की जानिब स्मगलिंग है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को खसूसी तौर पर बलूचिस्तान हुकूमत की भी मदद भी करनी पड़ेगी और चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए 24 आवर बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ जिस तरह पंजाब में हेल्पलाइन है 1121, सूबा सिंध में हेल्पलाइन है 1121 और इसी तरह KPK के अंदर है तो वही सहूलियात हमें वहाँ भी उनको देनी पड़ेगी। दूसरा जो बच्चे डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर में घरों में काम करते हैं उनके लिए हमें कायनात कोई लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी कि COVID-19 से उनका नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ कि उनके माँ बाप उनको मिल भी नहीं सकते, मालकान कोरोना की वजह से उनका मुलाकात का हक भी छीन लिया और उनका वो हक भी छीन लिया जिससे वो माँ बाप के पास जाया करते थे। और जब पंजाब में 2019 में जो डोमेस्टिक वर्कर का एक्ट आ सकता है तो 18वीं तरमीम के बाद बाकी सूबों को भी चाहिए कि वो इसको अडॉप्ट करें और 15 साल से कम उम्र बच्चे को तो वहाँ मुलाजमत अलाउ ही नहीं और अगर कोई 12 साल से कम रखता है तो 10,000 से 50,000 उस पर जुर्माना हो सकता है। पंजाब में जो लेजिस्लेशन हुई है और उसी तरह की लेजिस्लेशन हम समझते हैं कि चारों सूबों में होनी चाहिए जिस तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनी है। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उसी तरह काउंसिल ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन इंटरेस्ट बनाए जिसमें चारों वज़रा आला हों, चारों चीफ सेक्रेटरी उसके मेंबर हों और चारों सूबों के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर उसके अंदर हों ताकि हम एक यकसा मुनासिब मरबूत और मुसलसल बच्चों के तहफ़ का निज़ाम जो है पाकिस्तान में ला सकें। हमें ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे बच्चों को 20 रुपये का टेटनस का इंजेक्शन भी नहीं मिलता दूर अफ्तादा इलाकों में। जो ये सारी NGOs आपको जो चाइल्ड प्रोटेक्शन और बड़े बड़े नज़र आते हैं शहरों की हद तक आपको नज़र आता है, बिल्कुल जो कराची लाहौर इस्लामाबाद पिशावर या क्वेटा में सरीना में सेमिनार होते हुए आपको नज़र आते हैं, आम आदमी में अगर आपने इंसाफ देना है तो आपको इन बच्चों को उनके डोर स्टेप पे देना होगा। तो फैज साहब ने कहा था ना कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ तो आप हशर उठा क्यों नहीं देते? जो तरीके इंसाफ का नारा था इंसाफ का, वो इंसाफ अगर खवातीन को नहीं मिला, बच्चों को नहीं मिला, अकलियतों को नहीं मिला और छोटे सूबों के मसाइल हल नहीं हुए तो लोग फिर देखना शुरू हो जाएंगे कि वो कौन सी खराबियाँ हैं जिसको इस्लाह करने की ज़रूरत है। इनिशियल से लेकर अब तक बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हल ना मुमकिन नज़र आता है, पता नहीं क्यों। हालांकि बहुत इजी है अगर आप
नॉर्मली बैठें, सोचें और कंक्लूड करें तो आपके पास रिजल्ट सामने आ सकते हैं, लेकिन हम हर चीज़ को बहुत लेंथी ले चलते हैं। हमारे पास जो भी चीज़ प्रोसेस में आती है वो बहुत लेंथी चली जाती है। ऐसा है कि हमारे पास अगर बच्चों के एक्ट के हवाले से बात हो तो मैं खुद पर्सनली, मैंने जब मैं वैन में बेसिकली घर जा रही थी तो मैंने एक बच्चे को देखा जो एक मैकेनिक के पास काम कर रहा था। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा आप यहाँ काम करते हैं, आप मतलब क्यों करते हैं? उसने कहा कि मैं काम करता हूँ तो जाकर मेरा घर चलता है, मैं काम करता हूँ तो मैं खुद पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल। और 1996 में अब ये हालात हैं कि आप देखें, 1996 में आईलो आईपैक ने, यानी आलमी इदारा मेहनत ने तहकीक कराई थी और पाकिस्तान को बताया था कि 3.3 मिलियन बच्चे आपके चाइल्ड लेबर पर काम करते हैं। पोलिटिकल पार्टीज हर आइन के वायलेशन पर बहुत शोर मचाती हैं, लेकिन आइन का आर्टिकल 11 जो है, जो मना करता है बच्चा मजदूरी से, स्लेवरी से, गुलामी से मना करता है, उस आर्टिकल के ऊपर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मूव को चलाई है। और देखा जाए तो जब असेंबली में बजट स्पीच होती है उससे अंदाज़ा होता है हम अपने बच्चों के लिए कितना बजट रखते हैं। अब बजट एलोकेट कितना होता है और ख़र्च कितना होता है, और जो एलोकेट होता है क्या वो सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट की सैलरीज में होता है या बेनिफिशरीज के लिए जाता है? तो ये बजटरी एलोकेशन की पूरे पाकिस्तान में स्टडी होनी चाहिए, जो नेशनल लेवल पे भी हो। सिंध में तो हमने की है, वो मैं आपको भेज भी सकता हूँ, लेकिन प्रोवेंशियल लेवल पे भी वो स्टडी हो कि हमें कितना बजट हम बच्चों पे खर्च करते हैं और उस बजट के अंदर कितना करप्शन का एलिमेंट शामिल है। जब तक शफाफियत नहीं होगी उस वक्त तक हक जो मतलब 500 आप एक स्टडी मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की स्टडी है 2014 की, कि 554 अरब रुपए पाकिस्तान में खैरात होती है। अरे भाई 554 अरब रुपए खैरात पाकिस्तान के लोगों की इंसानी तरक्की में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही? गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की स्टडी थी, तो ये क्यों कन्वर्ट नहीं हो रही? और 26% लोगों को यही नहीं पता कि हम किसी को चंदा देते हैं तो वो किस मद में खर्च होता है। सही। तो ये हमें देखना पड़ेगा। हमारे ऊपर FATF के कंप्लाइंट भी हैं, हमने टेरस फाइनेंसिंग को भी देखना है, हमने मनी लॉन्ड्रिंग को भी देखना है, हमने सेफ चैरिटी को भी देखना है। सर सॉरी टू कट यू, लेकिन जहाँ तक हमारी आम आवाम की बात है उनके माइंड में ये बात आती नहीं है। उनको इतना उलझा के रख दिया गया है बेसिक चीज़ों में कि वो इतना हाई सोचते ही नहीं है, उनको उस हद तक पहुँचाया ही नहीं गया है, वो बैठ कर अपने राइट्स तक को नहीं सोचते। आप क्या बात कर रहे हैं? पहली तो प्रायोरिटी ये है कि मुझे जिंदा रहने के लिए ब्रेड एंड बटर। एग्जैक्टली। जहाँ बलूचिस्तान के राइट्स की बात की, मैं बार बार हर बार अपने यही मिसाल देती आई हूँ कि जहाँ पानी की किल्लत हो, जहाँ खाने को उनको प्रॉब्लम हो, जहाँ वो इतनी प्रॉब्लम से अपनी ज़िंदगी सरवाइव करें इतनी मुश्किल से, वहाँ आप जाकर अगर एक हाथ में पेन कॉपी और बुक्स रखेंगे और एक हाथ में उनके लिए खाना या पानी होगा तो डेफिनेटली वो बच्चा पहले पानी की तरफ लपकेगा। लेकिन यहाँ तो सल्यूट है उनको कि वो किताबों की तरफ लपकते हैं। उनके तालीम से मोहब्बत। कौन सा मुल्क है 200 मुल्कों में से जिसने पैदाइशी सर्टिफिकेट की फीस रखी हुई है? देखें जरा, आप बताएं। सर भी माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट हैं, जानते हैं इकोनॉमिक्स को। क्या उस जो 500 रुपए यूनियन काउंसिल की रिश्वत है उससे कितना बड़ा हम मीनार खड़ा कर लेंगे? एग्जैक्टली। नहीं तो आपके चैनल के तवज्जो से जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो उन्हें अगर वो चार्ज कर रहे हैं इस मद में तो वो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए क्या, ये राइट है उनका। इवन हमारे आवाम तो इतनी सादा है कि आपको अंदाज़ा है कि जो कवानीन हमारे लिए हुकूमत ने या अदालत ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट रखे, हम उन पर भी फाइन और चार्ज देकर आते हैं। FIR जो हमारे लिए एक नॉर्मल राइट है बेसिकली, अगर हम कटवाने जाएं तो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट कटवानी चाहिए हमसे, उसमें भी रिश्वत ली जाती है। 75,000 रुपये लिए गए अभी जो कुरंगी में मामी कॉलोनी में बच्ची से ज्यादती का उसके स्टेप फादर ने किया, अब उसके 75,000 रुपये DNA पे सिंध हुकूमत ने लिए, यानी 75,000। और केमिकल एग्जामिनर की जो रिपोर्ट है उसके 6,000। सिंध बैंक के चलान में आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो खुद सोचें कि क्रिमिनल ऑफेंस होता है, रियासत उसमें मुद्दईत होती है, उसमें आप पैसे सिंध बैंक में कैसे चार्ज कर सकते हैं? DNA के पैसे और केमिकल एग्जामिनर के पैसे कौन से कानून के तहत आप चार्ज कर रहे हैं? इसका मतलब किसी बच्ची से, और आपको हैरत होगी कि कराची में अभी फीमेल MLO की तादाद ना होने के बराबर है। बिल्कुल। नासिर साहब, आपसे गुफ्तगू इतनी ज़बरदस्त जा रही है लेकिन आप हमें इतना ही वक्त दे सकते थे तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ। आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया, और आपने इतने हसास और इतने बच्चों के हकूक के ऊपर बात की,
तो इंशाल्लाह आगे भी आपके तवस्सुस से आज मैं समझता हूँ कि पॉलिसी मेकर तक ये बात और सर भी पहुँचा देंगे तब्दीली वाकई आएगी इंशाल्लाह जरूर आएगी और इदा वकसान ही उस्ते निम करवे और उस्ता छिपत काई साड़ी में गेस्तर का पुत्रान मकने वाजे घुमा और ती का पुत्रान रिदा कोशिश करें कि मैं चीज़ी गेंद बिकने और कॉन्क्लूजन तक पे रस्से मैं घुमा भी पे